क्या महाराष्ट्र एनडीए में फूट पड़ गई है? ये सवाल इसलिए क्योंकि एकनाथ शिंदे की पार्टी के नेता और शिंदे सरकार के स्वास्थ्य मंत्री तानाजी सावंत ने अजीत पवार को लेकर विवादित बयान दे दिया है। शिंदे के नेता कह रहे हैं कि जब भी वो कैबिनेट मीटिंग में अजीत पवार के साथ बैठते हैं तो उन्हें उल्टी आ जाती है, उन्हें एनसीपी के साथ बैठना कतई बर्दाश्त नहीं है। इस बयान पर अजीत पवार की पार्टी आग बबूला हो चुकी है, तो शिंदे के नेता इस बयान को इंडिया गठबंधन वालों ने भी लपक लिया है। अब इंडिया गठबंधन कह रहा है कि ये महाराष्ट्र एनडीए में फूट के साफ साफ संकेत हैं। बोलो भारत माता की। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के ऐलान से पहले महाराष्ट्र में उल्टी वाली पॉलिटिक्स क्यों शुरू हुई? शिंदे के नेताओं को अजीत पवार के साथ बैठने से उल्टी क्यों आती? महाराष्ट्र में बीजेपी के सहयोगियों के बीच आखिर क्या चल रहा है? क्या एकनाथ शिंदे गुट और अजीत पवार गुट में रार छिड़ी हुई है? ये है तानाजी सावंत, एकनाथ शिंदे की पार्टी शिवसेना के बड़े नेता है और एकनाथ शिंदे सरकार में मंत्री भी हैं। आपको बता दें कि तानाजी सावंत महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री, लेकिन तानाजी सावंत ने अजीत पवार को लेकर ऐसा बयान दे दिया है जिससे महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल आ गया है और बात स्वास्थ्य मंत्री का इलाज कराने और करवाने तक पहुँच गयी है। पहले आपको सुनवाते हैं कि आखिर तानाजी सावंत ने अजीत पवार के लिए क्या कहा। काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीचं माझं जमले शिकत असल्यापासून आतापर्यंत वास्तव काही असं बोलत नाही, जसं अलर्जी म्हणतोय गोळी खाली उलट्यावायला चालवतात त्या अवस्था आहे, कारण ते विचार परिपूर्ण भिडलेले आहेत अंगामध्ये, त्याच्यामुळे ते शक्य आहे। आज जरी आम्ही कॅबिनेटला मांडीला मांडीला बसून असलो तरी सुद्धा बाहेर आल्यानंतर उलट्या होतात, ही वस्तू सर्व होत नाही। ते आता वयाच्या 7-8 वर्षी माणूस बदलू शकत नाही, जे काय 15-20 वर्षाचा पोरगा आहे आणि आता तो असं कर बापण थोडं जमून दिला की नीट झाला होत नाही, ते लक्षात, त्याच्यामुळं आम्ही तत्वाशी बांधील आहोत। अब अजीत पवार गुट को ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है और एनसीपी वाले कह रहे हैं कि तानाजी सावंत को इलाज की सख्त जरूरत है। ये जो स्थिति है वो राज्य के स्वास्थ्य मंत्री के लिए अच्छी नहीं, उल्टी आना या दूसरा कोई रोग होना ये स्वास्थ्य मंत्री के लिए अच्छी बात नहीं है, महाराष्ट्र के लिए ये शोभा देने वाली बात नहीं है। ये एकनाथ शिंदे जी के पार्टी के स्वास्थ्य मंत्री है, एकनाथ शिंदे जी खुद मुख्यमंत्री है, मेरी एकनाथ शिंदे जी से गुजारिश है कि ये जो बीमारी है वो ज़्यादा खाने से और गलत खाने से होती है, तो हमारा यही कहना है कि भाई इनको अच्छे से अच्छे डॉक्टर मुहैया कराया जाए और इनका इलाज कराया जाए। अगर इनके पास कोई अच्छे डॉक्टर नहीं हो तो हम अजीत दादा को बोल के इनको अच्छे से अच्छे डॉक्टर की ट्रीटमेंट करा सकते हैं। अगर उल्टी आना और दूसरे और भी कहीं इनको बीमारी है तो वो भी हम इलाज करा सकते हैं। महाराष्ट्र में इसी साल विधानसभा के चुनाव है और सवाल अब ये भी है कि कहीं अजीत पवार को एनडीए से अलग करने का प्लान तो नहीं किया जा रहा, क्योंकि लोकसभा चुनावों के बाद महाराष्ट्र में जिस तरह से एनडीए को इंडिया गठबंधन ने पटकनी दी उसके बाद आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में भी अजीत पवार पर सीधे सीधे अटैक किया गया था और अब एकनाथ शिंदे की पार्टी के नेता भी अजीत पवार को टारगेट कर रहे हैं। तानाजी सावंत ने अजीत पवार के लिए उल्टी वाली बात क्यों बोली? आखिर तानाजी सावंत की उल्टी वाली पॉलिटिक्स के पीछे क्या है? क्या महाराष्ट्र एनडीए में अजीत पवार को लेकर कुछ चल रहा है? महाराष्ट्र एनडीए की रार की खबरें तो 4 जून को आए लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद से ही आनी शुरू हो गई, क्योंकि महाराष्ट्र में एनडीए सिर्फ 17 सीटें ही जीत पाया। इंडिया गठबंधन के खाते में 30 सीटें गई, क्योंकि चुनाव से पहले महाराष्ट्र में बड़ी तोड़फोड़ मची थी, शिवसेना के 2 फाड़ हो गए, उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के बीच पार्टी बट गई, एनसीपी में 2 फाड़ हो गए, शरद पवार और अजीत पवार के बीच पार्टी बट गई, पार्टी सिंबल को लेकर भी एक दूसरे में तगड़ी जंग चली और जब लोकसभा के नतीजे आए तो एकनाथ शिंदे से आगे उद्धव ठाकरे निकल गए और अजीत पवार को चाचा शरद पवार ने बुरी तरह से चित कर दिया और नुकसान बीजेपी को भी हुआ।
अब एनडीए में टारगेट पर एक सीट जीतने वाली अजीत पवार की एनसीपी है। आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में छपे एक लेख ने एनडीए में मचे घमासान को और भी ज्यादा हवा दे दी, क्योंकि ऑर्गेनाइजर ने लिखा, महाराष्ट्र में जो राजनीतिक प्रयोग किया गया उसकी जरूरत नहीं थी। एनसीपी का अजीत पवार वाला गुट बीजेपी के साथ आ गया, जबकि बीजेपी और विभाजित शिवसेना के पास पर्याप्त बहुमत था। बात अजीत पवार की एनसीपी पर आई तो सामने छगन भुजबल ने आकर मोर्चा संभाल लिया और सीधे यूपी के नतीजों का आईना दिखा दिया। कोई भी बोल नहीं रहा था कि ऐसा यूपी में इतने पीछे बीजेपी आएगी, मगर आगे तो उसके कारण जो है ये सिर्फ अजीत पवार गट ये है, ये कहना मैं वाजिब नहीं। आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में अजीत पवार की पार्टी एनसीपी को लेकर आगे लिखा, एनसीपी में चचेरे भाई बहनों में जिस तरह की कलह चल रही है उससे शरद पवार 2-3 साल में ही फीके पड़ जाते, ऐसे में अजीत पवार को लेने का अविवेकपूर्ण कदम क्यों उठाया गया। बीजेपी ने एक झटके में अपनी ब्रांड वैल्यू कम कर दी। पहले आरएसएस का अजीत पवार पर सीधा अटैक और अब एकनाथ शिंदे की पार्टी शिवसेना के नेता और मंत्री तानाजी सावंत भी अजीत पवार को देखकर उल्टी आने वाली बात कह रहे हैं। ऐसे में शरद पवार गुट वाली एनसीपी कह रही है कि ये सब महाराष्ट्र एनडीए में फूट के सबूत है। तानाजी सावंत इन्होंने जानबूझकर अजीत पवार को अपमानित करने का षड्यंत्र शायद शिंदे साहब के माध्यम से या भारतीय जनता पार्टी के कहने पे किया है, ऐसा मुझे लगता है। इसका अर्थ बहुत स्पष्ट है कि लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जो हार का सामना करना पड़ा उसका कारण अजीत पवार है, ये आरएसएस भी कह चुकी है, ये देवेंद्र फडणवीस जी भी कह चुके हैं। और अजीत पवार को सरकार में शामिल करने के बाद कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे नाखुश है, ये भी लोगों के सामने आ चुका है। क्या महाराष्ट्र एनडीए में ये टूट के संकेत मिल रहे हैं? क्या तानाजी सावंत का बयान एनडीए में टूट का संकेत? क्या एनडीए से अजीत पवार की एनसीपी बाहर होने वाली है? ये हमने शुरुआत में कहा कि महाराष्ट्र की महायुति की भ्रष्ट जो सरकार है इनमें महाभारत चल रहा है और ये महाभारत हम सब लोग देख रहे हैं, लेकिन हम जब बात करते तो हम आरोप लगाते हैं, ऐसा आपके मीडिया के माध्यम से वस्तु स्थिति हमने रखी है। अभी तो बहुत सारी घटनाएं आगे आगे होने वाली है। भुजबल एक तरफ रहते, उनका आधा मंत्रिमंडल एक तरफ रहता है, तो वो भी चल रहा है। अब आपको तानाजी सावंत की उल्टी वाली पॉलिटिक्स की इनसाइड स्टोरी बता दें। क्यों तानाजी अजीत पवार को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे तो सुनिए। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले तानाजी सावंत धाराशिव लोकसभा चुनाव क्षेत्र पर अपना दावा ठोक रहे थे, लेकिन सीट बंटवारे में ये सीट अजीत पवार को निकल गई। तब से एक दूसरे पर ये कीचड़ उछालने की होड़ लगी हुई है। अब विधानसभा चुनाव से पहले क्या सीट बंटवारे को लेकर इसी तरह महायुति में घमासान देखने को मिलेगा और क्या अजीत पवार महायुति का हिस्सा बने रहेंगे, ये सवाल अब महाराष्ट्र के राजनीति में पूछा जा रहा है। महाराष्ट्र एनडीए में चल रही ये बयानबाजी विधानसभा चुनाव से पहले उसके लिए खतरे की घंटी से कम नहीं है, क्योंकि अक्टूबर में महाराष्ट्र विधानसभा के चुनावों का ऐलान हो सकता है और लोकसभा चुनावों के बाद से इंडिया गठबंधन यानी महाविकास अघाड़ी वालों का कॉन्फिडेंस हाई है। मुंबई से ऋतु भालेकर के साथ आज तक ब्यूरो।